When capital expenditure is treated as revenue expenditure, we need to add 1 lakh rupees. तो हम उसको 1 lakh rupees add कर लेंगे. अब depreciation is charged 20%. अब उस पर depreciation भी charge करना था 20%. 20% जो depreciation charge करेंगे वो कौन सा expenditure है? Revenue expenditure. On written down value method, I'll show it to you. Calculate the value of goodwill. Let's see this question. Question number 9, 15, 16, 17, 18, 19. These are your profits. Sorry. These are your profits. First, I've written the normal profit. First year is loss. Second year, 1,60,000, 1,50,000, 65,000, 1,77,000. These are the profits. उसके बाद जो है first क्या था, it was the abnormal gain. Gain on sale of fixed asset, abnormal gain. वो हमने क्या किया? Minus किया. दूसरे साल था abnormal loss. वो हमने क्या किया? Plus किया. उसके बाद था कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आई टोल्ड यू इट्स ऑलवेज एडेड. वो हमने क्या किया? प्लस किया. अब उसके बाद इस एसेट पे जो डेप्रिसिएशन लगना था, अगर हमने इसको खर्चा ही ट्रीट नहीं किया, डेप्रिसिएशन इस पे लगाया ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे. ओके, और किस मेथड से लगाएंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. और आपको पता है डेप्रिसिएशन एक साल नहीं लगता, हर साल लगता है. अगर इस साल डेप्रिसिएशन लगेगा तो इस साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये 2 सालों का डेप्रिसिएशन होगा. डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है? लेट्स सी इट. डेप्रिसिएशन आपका है फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च तक यूज़ किया 9 मंथ्स का. 1 लाख पे 20% फॉर 9 मंथ्स इट्स 15,000. पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आई? 15,000. दूसरे साल तो पूरा साल उसको यूज़ किया आपने, उस साल तो नहीं किया. फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 मार्च पूरा यूज़ किया उसे, लेकिन कौन सा मेथड है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. तो उसकी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस की, 1 लाख में से पिछले साल के डेप्रिसिएशन माइनस की, सो योर बुक वैल्यू इज़ 85,000. 85,000 का 20% निकाला, दिस 17,000 इज़ डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर. अब डेप्रिसिएशन तो हर साल माइनस होती है, तो ये दोनों साल हमने माइनस करने हैं. फर्स्ट ईयर यू डिडक्टेड 15,000, सेकेंड ईयर यू डिडक्टेड 17,000. ओके, तो आपका प्रॉफिट आ गया 90,000, 1,10,000, 1,70,000, 1,50,000, 1,60,000. इन सब का टोटल किया, डिवाइडेड बाय 5 एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. व्हेन यू सॉल्व इट, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 3 लाख. Clear the deposition one point. Okay, just go through it carefully. Now we'll start the next method, which is weighted average profit method. I'm going to start this method because this method is absolutely same. थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया. आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड तो किया ही है, अब उसके साथ वी हैव एडेड वन मोर वर्ड, वेटेड. I'll start with this an example with an explanation. जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट लिया, जो सिंपल एवरेज मेथड किया. फर्स्ट ईयर का एवरेज प्रॉफिट 10,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 12,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 14,000. ओके, इन तीनों को हम डिवाइड करते थे 3 से, ये आपका आ जाता था एवरेज प्रॉफिट. अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है? जो एवरेज प्रॉफिट हम लेते थे पिछले 4-5 साल का प्रॉफिट लेते थे, उनकी एवरेज निकालते थे. ओके, इस मैथड में एक ड्रॉबैक थी, एक डिसएडवांटेज था इसका, कि हमारे हिसाब से जो रिसेंट, जो पिछले साल का प्रॉफिट है, वो मोर इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मैनी ईयर्स प्रॉफिट. अभी जो पिछला साल बीत के गया है, ठीक है ना, 2019, उस साल का प्रॉफिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है इस साल के लिए, उससे पिछले साल का थोड़ा उससे कम, उससे पिछले साल का थोड़ा उससे कम. तो दे हैव डिसाइडेड कि इस मेथड को इम्प्रूव करने के लिए हम प्रॉफिट्स को वेट असाइन करते हैं. आई टेल यू, अगर मुझे आपकी परफॉर्मेंस जाननी हो, तो मैं आपकी 11th की मार्क्स को ज़्यादा वेटेज करूँगी या आपकी नर्सरी के मार्क्स को ज़्यादा वेटेज करूँगी? ऑब्वियसली आई गिव मोर वेटेज टू योर 11th क्लास मार्क्स. नर्सरी में चाहे आपने टॉप किया हो,
राइट। तो मेरे लिए आपके 11th के मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एज़ कम्पेयर टू योर नर्सरी मार्क्स। सेम हम प्रॉफिट देते हैं, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर जो पिछला साल बीत के गया उसको हम वेट्स देंगे 3, सबसे ज़्यादा वेट, उससे पिछले साल को 2 वेटेज देंगे, उससे पिछले साल को 1 वेटेज देंगे, कम वेटेज, वेटेज पीछे पीछे कम होती जाएगी, ठीक है ना, इट विल बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे करंट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट, क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पिछले वाले को उससे कम, उससे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, उससे पिछले वाले को कम, उससे कम इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे, ईयर्स नहीं लिखेंगे, विल बी राइटिंग हियर टोटल वेट्स 1 + 2 + 3, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 10,000, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 24,000, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3 42,000, टोटल इज 76,000 डिवाइडेड बाय 6, सो अप्रॉक्सीमेटली योर वेटेड एवरेज इज 12,667। उसके बाद सेम यहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट की बजाय क्या लिखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसको मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ गुडविल। पिछले मेथड में और इस मेथड में वंस अगेन आई एम टेलिंग यू देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस, आपने हर एक साल के प्रॉफिट को वेट असाइन करना है। जो सबसे ज़्यादा वेट देना है वो करंट ईयर को देना है, 2019 को 3, 2018 को 2, 2017 को 1, ऐसे वेटेज करनी है, उल्टी वेटेज नहीं कर देनी है, सारा सम गलत हो जाएगा। बिकॉज आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल, योर 11th मार्क्स हैव मोर वेटेज एज कम्पेयर टू योर नर्सरी मार्क्स। उसके बाद सेम और नीचे नंबर ऑफ ईयर्स नहीं लिखने हैं, टोटल वेट लिखना है, दैट इज़ अ डिफरेंस। ओके, नाउ आई विल बी सॉल्विंग वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं है, आगे इसमें एडजस्टमेंट्स आएंगे, दिस इज विदाउट एडजस्टमेंट दैट वी आर डूइंग। प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March फॉर द लास्ट 5 years, लास्ट 5 साल के प्रॉफिट से हैं। ओके, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज। ठीक है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है 3 years परचेज पे, 3 साल के परचेज पे। प्रॉफिट्स आफ्टर असाइनिंग वेट्स, उन्होंने वेट दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट एंडेड 31st March 2015, 16, 17, 18, 19। सी 19 को उन्होंने सबसे ज़्यादा वेटेज दिया 5। लेट्स स्टार्ट इट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ईयर्स रिटर्न, प्रॉफिट्स रिटर्न, फर्स्ट विल गिव द वेट। अब ये हमारा वेट है 16, ये हमारा ईयर है 20। 16 ऊपर से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, या 20 को सबसे ज़्यादा वेट दिया है, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है 31st March 2020 का, राइट। वेट ऊपर कम हो रहे हैं, फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन, वेटेड प्रॉफिट इसको बोलते हैं, वेटेड प्रॉफिट 20,000, 48,000, 90,000, 1,90,000। ओके, लास्ट में टोटल वेट का टोटल, वेटेड प्रॉफिट का टोटल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मींस टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इयर्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मींस टोटल वेटेड प्रॉफिट 3,48,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट व्हिच इज 15। ओके, 23,200 आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल कैसे निकालनी है, अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की बजाय हम क्या लिखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, इट्स 23,200 मल्टीप्लाई बाय 3, 69,600 इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द मैथड, बिकॉज देर वॉज हार्डली एनी डिफरेंस, 2 डिफरेंस थे, नंबर 1 वेट असाइन करने हैं, नंबर 2 जो नीचे नंबर ऑफ ईयर नहीं लिखना, टोटल वेट लिखना है, यही फर्क है, बाकी सारा सेम है, राइट। नाउ योर होमवर्क इज टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15,
okay, and you try to solve. You just solve question number 15, only one question without adjustment. Okay, adjustment वाला अभी कोई भी question नहीं दे रही हूँ. Just solve this and revert back it to me. Thank you.